गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पिपराइज थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद 14 साल के मासूम की हत्या। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। एसएसपी ने किया खुलासा, कहा घटना में शामिल 5 अभियुक्त गिरफ्तार, शेष की जल्द होगी गिरफ्तारी। कोतवाली राजघाट तिवारीपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 28 जुलाई से 4 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। एसडीएम सदर ने बताया कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया है निर्णय। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंजुला ने कहा मंडल में कोरोना संक्रमितों के इलाज की है समुचित व्यवस्था। मंडल में है कोरोना के 1500 एक्टिव केस, जबकि गोरखपुर में 800 और अन्य जिलों में 200 है एक्टिव केस। बढ़ाई गई है बेडों की संख्या, ऑक्सीजन की है समुचित व्यवस्था। पिपराई थाना क्षेत्र के मिश्रोलिया गांव में अपहरण के बाद हुई मासूम की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के लिए डीएम ने लिखा शासन को पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा। जिले में दुकानों के खोलने के लिए लगाए गए रोस्टर प्रणाली को किया गया समाप्त। 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण नहीं खुलेंगी दुकानें। शेष थाना क्षेत्रों में सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी दुकानें। एसडीएम सदर ने दी जानकारी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गीडा में एसटीपी स्थापित करने संबंधित बैठक। पीपीपी मॉडल पर एसटीपी संचालित करने के दिए निर्देश। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से कोरोना के बढ़ रहे मरीजों के समुचित इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों के अलावा अब प्राइवेट नर्सिंग होम में भी इलाज की गई व्यवस्था। 25 बेड का फातिमा हॉस्पिटल L2 फैसिलिटी के रूप में हुआ संचालित। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों के कारण हो रही मृत्यु की डेथ ऑडिट संबंधित बैठक। कहा प्रत्येक मृत्यु के अनिवार्य रूप से की जाए डेथ ऑडिट। शिक्षाविद डॉक्टर टीपी शाही के निधन पर गुसरी गोरखनाथ मंदिर। गोरखपुर एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ शोक सभा, दी गई श्रद्धांजलि। कोविड-19 के जांच के लिए जनपद में 5 पैथोलॉजी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया चयनित। ट्रूनेट मशीन से जांच कराने पर प्रति सैंपल 2500 रुपए धनराशि की गई निर्धारित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा अधिक पैसा लेने वालों पर स्वास्थ्य विभाग करेगा कड़ी कार्रवाई। गोरखपुर जिले में शनिवार को नए 88 कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज। संक्रमितों की संख्या हुई 1670, जिसमें 766 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। वहीं 864 मरीजों का विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चल रहा है इलाज। अब तक 40 लोगों की हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिलने पर परिसर हुआ मंगलवार तक सील। आवश्यक सेवाएं रहेंगी संचालित। और महानगर में सोमवार को सड़कों पर दिखा चहल पहल। एसपी सिटी ने लोगों से की अपील, कहा आवश्यकता पर ही मास्क लगाकर ही निकले घर से बाहर, नहीं तो होगी विधिक कार्रवाई।